हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गर्वित, और आपका एक बार फिर पेबल्स फूड कार्ट पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को एक ऐसे कैफे लेकर आए हैं जिसका नाम ईट एंड मीट कैफे, यानी जहां पे लोग साथ में बैठ के मिल बांट के खाना खाते हैं। तो दोस्तों, यहां जैसे यहां का नाम आप देख सकते हैं, द ईट एंड मीट कैफे या फिर द मीट एंड ईट कैफे। और ये जो लोकेटेड है, इसका लोकेशन है भाईंदर वेस्ट में, जो कि मैक्सिस मॉल के ठीक सामने है, 150 फीट रोड अपोजिट में, वहां पे लोकेटेड है ये। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक्सटीरियर में यहाँ पे एक लाइव किचन भी है ओपन, और लाइव किचन यहाँ पे आपका फूड रेडी होता है। तो आप देख सकते हैं आपका फूड कैसे रेडी हो रहा है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि कुछ कस्टमर्स को देखना होता है कि उनका फूड कैसे रेडी हो रहा है, कुछ मिलावट तो नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे सब दोस्तों आपका यहाँ पे सब आपका सिस्टमेटिक सब फूड रेडी होता है। यहाँ पे ब्रेड्स हैं सब, यहाँ पे आपके डिस्प्ले में है कि आपका फूड कैसे रेडी होता है। और आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो काउंटर्स हैं उनके सामने कितनी टेस्टी फूड की पिक्चर्स लगे, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, सैंडविच हो, गार्लिक ब्रेड हो, चीज़ नगेट्स हो, सब दोस्तों यहाँ पे पिक्चर्स लगी है। तो दोस्तों, ये तो है बाहर का एक्सटीरियर जहाँ पे ओपन और लाइव किचन। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं वहाँ अंदर का सेटिंग अरेंजमेंट कैसे। आइए, तो दोस्तों ये है द ईट एंड मीट का इंटीरियर। आप देख सकते हैं यहाँ जो वॉल है जिसपे ईट एंड मीट का बड़ा सा लोगो लगा है, जिसपे लिखा है नॉट फास्ट फूड जस्ट गुड फूड फास्ट, यानी फास्ट फूड नहीं है, गुड फूड है जो बहुत जल्दी आपको यहाँ पे खाने को मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों जो ईट एंड मीट का बड़ा वाला लोगो है उस पर आप देखेंगे तो कितने सारे रिव्यू स्लिप्स है, मतलब इतने रिव्यू स्लिप्स है कि अगर आप अभी पढ़ने बैठे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। और यहाँ पे एक LED TV भी है ऊपर, जो इन्होंने पिक्चर्स की फ़ोटो लगाई है, उसमें पिज़्ज़ा है, पास्ता है, सैंडविचेस है और गार्लिक ब्रेड्स है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। और जो यहाँ की वॉल्स हैं, वो उनका जो वॉलपेपर है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, एक वुडन प्रिंट का, जो देखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग और एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है। इससे पता चलता है यहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। और जो यहाँ की इंटीरियर पे जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, उसकी जो टेबल्स हैं, टेबल पे भी ईट एंड मीट का लोगो है, ये बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। इसको देखिए, ईट एंड मीट बड़ा बड़ा, इनका लोगो ही इतना अमेजिंग और इतना एक्सप्रेसिव है। और सीटिंग अरेंजमेंट के लिए आपको हर टेबल पे जो 4 चेयर्स हैं, और आराम से 16-20% से यहाँ पे बैठ के आराम से खा सकते हैं, अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ कस्टमर्स बैठ के अपना फूड इंजॉय कर रहे हैं, उनसे जानते हैं उनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है। हेलो मैम, आपका नाम? सर। और सर आपका? अभिषेक। अभिषेक, तो आपको यहाँ का फूड कैसा लगता है? अमेजिंग। अमेजिंग, अमेजिंग। और आपको यहाँ का, जैसे आप जब भी यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ पे कैसी फीलिंग आती है? बहुत अच्छी। एक्चुअली हम लोग यहाँ के रेगुलर कस्टमर ही है, यहाँ का फूड बहुत ही, मतलब बहुत ही टेस्टी डिलीशियस फूड है, एंड कम प्राइस में, जो कि अफोर्डेबल है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। तो दोस्तों, इन्होंने बताया यहाँ का फूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जो इनके प्राइसेस है वो भी एकदम रीजनेबल और अफोर्डेबल है। और आपको यहाँ का सबसे ज़्यादा टेस्टी क्या लगता है? यहाँ का जो सबसे टेस्टी है वो है पिंक सॉस पास्ता। पिंक सॉस पास्ता, यानी दोस्तों जैसे हम लोग को दो पास्ता पता है, वाइट सॉस पास्ता एंड रेड सॉस पास्ता, लेकिन यहाँ पे पिंक सॉस पास्ता भी मिलता है, जो यहाँ का सबसे ज़्यादा टेस्टी है। तो अभी आप लोग क्या टेस्ट कर रहे हो? अभी तो हम नॉर्मल फ्राइड राइस दिए हैं, एंड अभी पिज़्ज़ा का सोच रहे हैं। ओके, तो ये जो आपने नॉर्मल फ्राइड राइस भी टेस्ट करा, ये आपको कैसा लगता है टेस्ट में? ये भी अच्छा है, गुड। यहाँ के ऑल जितने भी फूड है सब टेस्टी है, सब टेस्टी, इसी में कोई ये नहीं है, मतलब सब डिलीशियस है। ओके, और मैम यहाँ पे हाइजीनिक और जैसे यहाँ पे हेल्थ का कैसे ख्याल रखा जाता है, एकदम सब फ्रेश होता है ना? हाँ, वेरी हाइजीनिक। उन्होंने बताया कि सारे फूड यहाँ के डिश है, और सबसे बड़ी बात ये सब हाइजीनिक होते हैं, एकदम हेल्दी, एकदम फ्रेश और प्योर होते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आपने हमसे बात करी। तो चलिए दोस्तों, अब एक और बार यहाँ पे एक छोटी सी बहुत प्यारी सी फैमिली बैठी है, जिसमें एक मेरा छोटा सा फ्रेंड भी है। तो चलिए दोस्तों, आप मैम से जानते हैं उनको यहाँ का फूड कर सकता है। हेलो मैम, आपका नाम? रीचा। और सर आपका? वैभव वोरा। और बेटा आपका? धन्य। क्या? धन्य। धन्य, बहुत अच्छा नाम है, धन्य हो गए हम आपसे मिलके। और मैम आपको यहाँ का फूड कैसा लगता है, ईट एंड मीट का? बहुत ही अच्छा, हम लोग ट्वाइस एंड थ्राइस इन अ वीक आते हैं यहाँ पे। दोस्तों, ट्वाइस एंड थ्राइस इन अ वीक, यानी हफ्ते में 7 डेज होते हैं, और जिसमें से 3-4 बार तो ये आ ही जाते हैं। और आपको यहाँ का फूड कैसा लगता है? फूड तो बहुत अच्छा, इसीलिए तो इतनी बार आते हैं। हाँ, यहाँ का फूड बहुत अच्छा इसलिए बार बार आते हैं। ब्रुशेटो एंड पहाड़ी ग्रिल। ब्रुशेटो एंड पहाड़ी ग्रिल। पहाड़ी ग्रिल सैंडविच है?
नॉर्मली जैन टेस्ट इतना अच्छा सब जगह पे नहीं होता, लेकिन इधर हम लोग जैन खाते हैं, जैन टेस्ट बहुत ही सुपर मिलता है यहाँ पे, एकदम मुंह पे रह जाता है, तो फिर बार बार आना पड़ता है। दोस्तों जैन व्यूअर्स अगर आप हैं तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि जैन टेस्ट यहाँ का बेस्ट है द ईट एंड मीट कैफे का, और यहाँ का जो इनका जो टेस्ट होता है वो एकदम प्योर एकदम फ्रेश होता है। और मैम जैसे आप हाउस वाइफ आप घर पे तो बनाते होगे खाना, तो घर का और यहाँ के डिश में कितना डिफरेंस है, मतलब सब फ्रेश घर के जैसा ही होता है? हाँ एकदम घर के जैसा फ्रेश फुल, मतलब सब जो अंदर इंग्रेडिएंट्स है वो सब है, एकदम फ्रेश फूल बहुत ही अच्छा रहता है। ओके तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे यहाँ छोटे से फ्रेंड से धन्य से। धन्य आपको यहाँ का फूड कैसा लगता है? अच्छा अच्छा लगता है। आप अभी क्या देख रहे हो? वीडियो। वीडियो कौन सा वीडियो? दोस्तों ये पेबल्स ही देख रहा है, ये हमारा जो चैनल है पेबल्स लाइव, ये उसकी वीडियो देख रहा है जिसमें हाँ किड्स का वीडियो होता है, तो आप पेबल्स लाइफ में भी सर्च कर सकते हैं। और अच्छा लगता है जब आप ही की वीडियो जो आप ही के चैनल की वीडियो है वो कोई देखता है आप ही के सामने। तो आपको यहाँ का खाना कैसा लगता है? अच्छा। तो आपको यहाँ का सबसे अच्छा क्या लगता है? ड्राई मंचूरियन। ड्राई मंचूरियन? ड्राई मंचूरियन अच्छा लगता है। तो आज आप क्या खाने वाले हो? ड्राई मंचूरियन। ड्राई मंचूरियन ही खाने वाले हो? आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या खाते हो? ड्राई मंचूरियन। अच्छा घर पे आप क्या खाते हो? सैंडविच पिज्जा। कौन सा? सैंडविच पिज्जा। सैंडविच पिज्जा मतलब यहाँ पे आके ड्राई मंचूरियन खाएगा, घर पे सैंडविच पिज्जा खाता है। ओके थैंक यू धन्य आपने हमसे बात करी। थैंक यू मैम आपने हमसे बात करी। और दूसरे यहाँ पे हमें जानने को मिला कि यहाँ का टेस्ट एकदम होमली टेस्ट होता है और प्योर टेस्ट होता है, जैन टेस्ट। जो जैन व्यूअर्स हैं आप सुन सकते हैं जो द ईट एंड मीट कैफे है उसका सबसे जो जैन टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जैसे धन्य ने देखा हमारी वीडियो देख रहा था पेबल्स की, तो अच्छा लगता है दोस्तों। अब बस अब मिलते हैं यहाँ के जो ओनर या मैनेजर है उनसे और जानते हैं यहाँ द ईट एंड मीट का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। तो गाइस यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स हैं वो ईट एंड मीट में आके अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उनसे जानते हैं उनको यहाँ पे कैसा लगता है। हेलो सर, सर आपका नाम? नवीन। और आपका? शाहजेब। शाहजेब जी आप लोग बताइए आपको ईट एंड मीट का टेस्ट कैसा लगता है? हम लोग यहाँ 2 से 3 महीने से आ रहे हैं, 2 से 3 महीने से हम लोग। मेरा फेवरेट है पहाड़ी सैंडविच है इनका, पहाड़ी सैंडविच जो आपने भी खाया था शायद, वो बहुत टेस्टी लगा। और एक पिंक मैगी, पिंक मैगी भी हमें बहुत पसंद है। पिंक मैगी? पिंक मैगी। हाँ पिंक मैगी। पिंक मैगी आपको कैसी लगती है? पिंक मैगी बेस्ट बेस्ट बेस्ट। इससे बड़े कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल सकता दोस्तों किसी डिश के लिए। बेस्ट बेस्ट एक लेवल होती है, उसके आगे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और आपको यहाँ पे आके कैसा लगता है, कैसा फील आता है? अच्छा है, अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे सर्विस भी अच्छी है और मतलब ओनर का बिहेवियर भी अच्छा है, सब अच्छा है, खाने भी अच्छे हैं। हाँ दोस्तों ओनर जो यहाँ के पंकज जी हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, उनसे ज़्यादा फ्रेंडली ओनर बहुत कम जगह देखने को मिलता है, लेकिन ये सबसे फ्रेंडली थे। मैं कहता जा रहा हूँ दोस्तों ईट एंड मीट से बेटर मेरे को कोई जगह नहीं लगी। और आप बताइए सर आपको जो इनका जो रिवोल्यूशन है, इनके हर टेस्ट में कुछ इंटरेस्टिंग होता है, इनके पास कैटेगरी में बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, तो आपको ये वेराइटीज़ का टेस्ट कैसा लगता है? टेस्ट तो इनका मतलब हर चीज़ में, मतलब ऐसा टेस्ट मुझे नॉर्मली यहाँ जल्दी देखने को नहीं मिलता यहाँ, मतलब भयंदर एरिया में तो आपको मुश्किल है मेरे हिसाब से। मतलब मेरा रिव्यू ये है कि भयंदर एरिया में शायद आपको इतना वैरायटी इतना अच्छा टेस्ट नहीं मिलेगा। और ये रेट्स प्लस इनका सर्विस जो है, मतलब हर चीज़ में इनको अगर स्टार रेटिंग अगर आउट ऑफ 5 देनी पड़े तो शायद 4.5 मिनिमम। टेस्ट बहुत अच्छा, सर्विस भी अच्छी है। तो दोस्तों आप मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो इनकी बात तो मान लो यार, भयंदर एरिया इतना बड़ा भयंदर है और उसमें सबसे बेस्ट ये रेट्स हो, प्रेजेंटेशन हो, सर्विस हो, फूड हो, एम्बियंस हो और ओनर का जो बिहेवियर हो, उन सब में आप लोग मिनिमम रेटिंग्स 4.5 देना चाहते हैं। दोनों दोस्तों बस 0.5 का डिफरेंस है, 0.5 का डिफरेंस तो आजकल लोग गिनते भी नहीं है। उतना इतना अच्छा रेटिंग्स आपको मिल जाए किसी जगह तो आप लोग वहाँ पे क्यों नहीं आना चाहोगे? तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए? यहाँ तो हम लोग ऐसे ही नॉर्मली टाइम स्पेंड करने आते हैं, प्लस अब 3 महीने से आ रहे हैं तो पंकज भाई जैसे कि इतने फ्रेंडली हैं तो थोड़े से रिलेशन भी अच्छे हैं उनसे हो जाते हैं। ओके
तो वही वजह से आ जाते हैं हम लोग। प्लस अगर मैं ये एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ आए तो पहाड़ी ग्रिल जरूर ट्राई करें। पहाड़ी ग्रिल और पिंक मैगी जरूर। और आपको स्लेवरी खाना है तो ये पिंक मैगी। ओके तो दोस्तों पहाड़ी ग्रिल और पिंक मैगी यहाँ की बेस्ट है। एक मिनट एक मिनट, पिंक मैगी बोला ना आपने? पिंक मैगी, आपने पिंक पास्ता खाया था, पिंक मैगी। पिंक मैगी बोला जी, पिंक मैगी। मैंने अब तक दोस्तों नाम ही नहीं, मतलब मैं इतना खो गया था यहाँ पे कि पिंक मैगी मैंने सुना ही। पिंक मैगी क्या है? रूह अफजा डालते ऊपर से? रूह अफजा नहीं, वो थोड़ा सा ये होता है, उनसे पूछना पड़ेगा आपको। मसालेदार होता है थोड़ा सा, अच्छा लगता है खाने में। तो दोस्तों ये कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि अगर बता देंगे तो ईट एंड मीट जैसा ईट एंड मीट और खुल जाएंगे। तो पिंक मैगी जो नाम इतना डिफरेंट है, तो सोचो ये दोस्तों कितना डिफरेंट होगा। और पहाड़ी ग्रिल तो अलग ही लेवल है यहाँ का। तो थैंक यू सर, आपने हमसे बात करी। और दोस्तों ये थी एक छोटी सी मुलाकात, और इन्होंने इतना अच्छा बोला ईट एंड मीट के बारे में कि शायद इससे बेटर आप कॉम्प्लीमेंट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे किसी भी कैफे के बारे में। सो हेलो सर, सर आपका नाम? पंकज अग्रवाल। पंकज जी, पंकज जी आप यहाँ के ओनर हैं या मैनेजर? ओनर ही हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ के ओनर है और ये यहाँ पे अपना जो बिजनेस है उस पर काफ़ी ध्यान देते हैं, काफ़ी फोकस रहते हैं, तभी हमेशा यहाँ कैफे में मौजूद रहते हैं और ध्यान देते सब पे कि उनका कैफे अच्छे से चल रहा है या फिर नहीं। तो पंकज जी आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका ईट एंड मीट का कॉन्सेप्ट क्या है? मोस्ट ऑफ हमारा कॉन्सेप्ट है कि फास्ट फूड कॉर्नर है ये, प्रॉपर न्यू वेराइटी है, अलग अलग टाइप्स के ब्रेड सर्व करते हैं हम लोग यहाँ पे, अलग अलग सॉसेज प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट सर्विस देते हैं। मेन मोटिव हमारा बेस्ट सर्विस का ही है अभी तक का यहाँ पे। मैं हम लोग की वैरायटी बहुत अलग है, जैसे एक पहले हम लोग के पास पनीनी करके जो डिश है उसमें 3 वैरायटी थी, आज हमारे पास 8 वैरायटी है पनीनी में। गार्लिक ब्रेड में नॉर्मली सब लोग के पास एक गार्लिक ब्रेड या स्टफ गार्लिक ब्रेड, हमारे पास 6 वैरायटी है गार्लिक ब्रेड में, खाली गार्लिक ब्रेड में। और हम लोग के पास सॉसेज है, जो भी सॉसेज है हम लोग फ्रूट से बनाते हैं, लाइक जो टोमेटो केचप है, चिल्ली सॉसेज होते हैं वो सब अलग है। उसके अलावा हम लोग के पास है वो एवोकाडो फ्रूट सॉस है, जो हम लोग स्पेशली यहाँ पे, वो हम लोग का स्पेशल सॉस है यहाँ का। ओके तो दोस्तों यहाँ की वैरायटी बहुत ज़्यादा लंबी, यानी 8 वैरायटी की पनीर डिशेस जो पहले 3 हुआ करती थी, और गार्लिक ब्रेड जो बाकी जगह 2 या 3 होती है, यहाँ पे 6 गार्लिक ब्रेड्स है, और सॉसेस इतनी वह सब फ्रूट से बनाते हैं। जी सर। और सर आपके यहाँ की स्पेशलिटी क्या है जो आप सबसे बेस्ट सर्व करते हैं? चीज़ ब्लास्ट करके एक मेल्टेड सैंडविच है मेरे पास, वो यहाँ की स्पेशलिटी है, गार्लिक ब्रेड है और पनीनी डिश है वो। पिज़्ज़ाज में भी है बहुत सारी वैरायटी है, ट्रिपल पॉप करके एक पिज़्ज़ा है, 3 लेयर का पिज़्ज़ा है वो नॉर्मली, बाकी सारे पिज़्ज़ा सिंगल बेस के, एक ट्रिपल पॉप करके पिज़्ज़ा है वो 3 लेयर का पिज़्ज़ा, उसके तीनों बेस में अलग स्टफिंग है। और पहाड़ी ग्रिल करके एक है हमारे पास, वो नॉर्मल सारे ग्रिल 3 बेस के, पहाड़ी ग्रिल 4 बेस का ग्रिल है, जो पहाड़ी ग्रिल 4 बेस का उसमें भी तीनों बेस में अलग स्टफिंग है। इतने सारे उसमें स्टफ है इसलिए पहाड़ नाम रख दिया बड़ा, ऐसा नहीं बोल सकते, कुछ यूनिक एक नाम देना था तो पहाड़ी ग्रिल रख दिया। ओके तो सर आपका ये क्या कॉन्सेप्ट है बाहर किचन लगाने का? बाहर किचन लगाने का कॉन्सेप्ट ये है कि आजकल कस्टमर लोग को बाहर बैठ के खाना, लाइक फैमिली कोई आती है, कुछ गिर गया, कहीं से कोई छूट गया, तो उन लोगों को वो इतना नहीं मज़ा, कंफर्टेबल नहीं होते बाहर बैठ के, बाहर बैठ के खाना। मेरे पास मोस्ट ऑफ गुजराती क्राउड है और जैन क्राउड है मोस्ट ऑफ, तो उन लोग नहीं प्रेफर करते। मेरे पास मोस्ट ऑफ क्राउड फैमिली क्राउड आता है, कोई मेरे पास लोकल क्राउड नहीं है, मोस्ट ऑफ गुजराती और मारवाड़ी और फैमिली क्राउड है, उन लोग आते हैं। तो मेरे को बेस्ट लगा कि मैं उनको एसी सेटिंग दूँ और बाहर बनाऊँ, इसलिए मैंने बाहर किचन किया और अंदर सेटिंग किया। बहुत अच्छी सोच है आपकी पंकज जी, क्योंकि अपने कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन देना ये सबसे पहला मोटो होता है। आपका फूड एक बार को अच्छा हो ना हो, वो आगे जैसे जैसे कस्टमर्स बढ़ते हैं तो आपका फूड बढ़िया होता जाता है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ा मोटो होता है। और जैसे आपका मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट पूछा, अब ये आपकी टाइमिंग क्या है यहाँ की? ये मॉर्निंग 10 से लेके नाइट 11-12 o'clock तक, जैसे ओके। तो दोस्तों मॉर्निंग 10 से लेके नाइट 11-12 तक। और यहाँ आप देखिए तो एक डिश यहाँ से रेडी होकर जा रही है, ये क्या डिश है? ये ब्रुशेटा है, ये टाइप ऑफ गार्लिक ब्रेड है, गार्लिक ब्रेड का ये टाइप है जिसका नाम है ब्रुशेटा, इसमें पनीर और वेजेस की स्टफिंग है। ओके ये सॉस है हमारा एवोकाडो सॉस, कैमरे में ये एवोकाडो सॉस है, ये फ्रूट सॉस है। ओके इसको अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा टोटली डिफरेंट टेस्ट है। दोस्तों आप देख सकते हैं एवोकाडो फ्रूट सॉस है जो यहाँ की बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी है, और ब्रुशेटा के साथ फोटो खींचेंगे। तो दोस्तों अब पंकज जी ऐसी आज की आपकी कौन सी स्पेशलिटी है जो आज आप हमें टेस्ट करवाने वाले हैं? मैं आपको पहाड़ी ग्रिल टेस्ट करवाता हूँ,
एक सिग्नेचर गार्लिक ब्रेड है वो टेस्ट करवाता हूँ और एक चीज ब्लास्ट करके सैंडविच है वो टेस्ट करवाता हूँ okay. और ड्रिंक्स में आप ट्राई करेंगे तो मिंट मोहितो है मेरे पास, फ्रूट पंच है, वो मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ. ओके तो दोस्तों यानी मेरे को आज टेस्ट करने को मिलेगा पहाड़ी सैंडविच जी, पहाड़ी ग्रिल सैंडविच, पहाड़ी ग्रिल में आता है वो. ओके पहाड़ी ग्रिल और उसके बाद चीज ब्लास्ट करके एक सैंडविच है, चीज ब्लास्ट मेल्टेड सैंडविच है, चीज ब्लास्ट मेल्टेड गार्लिक ब्रेड सिग्नेचर, गार्लिक ब्रेड विद सिग्नेचर, यानी जो इनकी स्पेशलिटी गार्लिक ब्रेड होगी सिग्नेचर गार्लिक ब्रेड. और ड्रिंक्स में क्या था? मोहितो, मिंट मोहितो है, फ्रूट पंच, मिंट मोहितो एंड फ्रूट पंच, मजा आने वाला है. जैसा इनका सेटिंग अरेंजमेंट ईट एंड मीट का, और उसके साथ जो इनकी स्पेशलिटी जो इन्होंने बताया, 8 तरीके के इनके पास पनीर डिश, और फिर 6 तरीके के गार्लिक ब्रेड्स, और ना जाने कितने तरीके के सॉसेस वो. और सर एक वो आपका फ्रेंकी काउंटर भी है, वो क्या है जी? ये एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना बाजू में कॉलेज क्राउड है, वो हिसाब से ना हम लोग को वो डिमांड थी, हम लोग ने नहीं रखा था पहले, वो एक कस्टमर डिमांड थी कि हमको एक फ्रेंकी आप रखो, आपका इतनी सब आइटम अच्छी है, फ्रेंकी रखो वो भी मज़ा आएगा, हम लोग को कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ फ्रेंकी के लिए लोग यहाँ आ जाते थे, तो वो भी आप पे मैंने ये फिर ये रखा फ्रेंकी का काउंटर सिर्फ ये कॉलेज क्राउड के लिए. ओके दोस्तों तो पंकज जी ने बोला कि उन्होंने एक कस्टमर की बात सुन के एक फ्रेंकी का स्टॉल लगा दिया, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ हाइट पे है, यानी उन्हें कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही चाहिए. वो लोग कस्टमर जो कॉलेज क्राउड होता था वो कहता था हमें दूर जाना पड़ता है, इन्होंने यहीं पे फ्रेंकी कॉर्नर लगा दिया, तो ये एक तो इनका बिजनेस भी हो रहा है, जो लोगों की जो इनकी इन्होंने हेल्प करी कि दूर जाने से बचा लिया वो एक अलग बात है. तो पंकज जी आप रेडी करवाइए, तब तक मैं यहाँ पे मेरे व्यूअर्स को रूबरू कराना चाहता हूँ आपके स्पेशल मेन्यू कार्ड से. आप तब तक वो रेडी कराइए डिशेज, और व्यूअर्स तब तक हम यहाँ के मेन्यू कार्ड स्पेशल मेन्यू कार्ड से रूबरू होते हैं. तो दोस्तों ये है ईट एंड मीट का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा वेल डिजाइंड मेन्यू कार्ड. अगर अंदर देखे तो ईट एंड मीट का इतना प्यारा लोगो है, उसके नीचे लिखा है नॉट फास्ट फूड जस्ट गुड फूड फास्ट, ये जो इनकी टैगलाइन है बहुत ज़्यादा पसंद आई मेरे को. और फिर इसमें आप आगे देखें तो आपको मिलेगा कॉम्बोज हैं यहाँ पे, 5 तरीके के यहाँ पे कॉम्बोज हैं, फिर यहाँ पे ड्रिंक्स हैं, मॉकटेल्स हैं, शेक्स हैं, बहुत लंबी लंबी लाइन है दोस्तों, मज़े आने वाले हैं. मतलब इतने छोटे से कैफे में आपको इतनी सारी डिशेस मिलेंगी. और फिर इसमें है दोस्तों सैंडविच, यानी सैंडविच के आपको मिलेंगे 24 वेराइटीज और सारे रीजनेबल रेट्स, 25 से शुरू होकर 70 तक जाते हैं, यानी इतने रीजनेबल रेट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे. फिर पनीनी डिशेस जो सर ने बताया था कि यहाँ पे 8 वेराइटीज़ की पनीनी डिशेस हैं, जिसमें वेजिटेबल चीज़ पनीनी, इटालियन पनीनी, मैक्सिकन पनीनी दोस्तों. फिर यहाँ पे गार्लिक ब्रेड्स, गार्लिक ब्रेड्स के बाद है पास्ता, ऑल टाइम फेवरेट्स से चीज़, पिज्ज़ा, इतनी सारी वेराइटीज़ दोस्तों आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मिलेगी ईट एंड मीट में. फिर यहाँ पे ग्रिल है और फिल्थी फ्राइज, यानी यहाँ पे फ्राइज भी मिलते हैं ग्रिल में है, वेजिटेबल ग्रिल, पहाड़ी ग्रिल जो अभी मैं टेस्ट करूँगा, और स्पेशल मेल्टिंग चीज़ ग्रिल, फिल्थी फ्राइज में सॉल्टेड फ्राइज, पिज्ज़ा, चीज़ फ्राइज, बारबेक्यू चीज़ फ्राइज और स्पेशल नाचोस. तो दोस्तों ये था ईट एंड मीट का स्पेशल और बहुत ही वेल डिजाइंड मेन्यू कार्ड. अब बस इंतज़ार है मेरी डिशेस आने का, फिर मैं आपको उसको टेस्ट करके बताऊंगा वो कैसे बने. अब मेरे सामने आ चुका है द ईट एंड मीट कैफ़े की जो बेहतरीन स्पेशलिटीज़ है, वो है एक चीज़ ब्लास्ट, जो ये है चीज़ मेल्टिंग सैंडविच, और ये है पहाड़ी ग्रिल. ये पहाड़ी ग्रिल तो दोस्तों इसकी प्रेजेंटेशन ने तो दिल जीत लिया, मतलब मुँह में बाढ़ आ चुकी इसकी प्रेजेंटेशन देख के और ये चीज़ देख के दोस्तों. बिल्कुल भी अब वेट नहीं हो रहा है, अब तो बस इसको सीधा टेस्ट करने का मन कर रहा है और खाने का मन कर रहा है. तो दोस्तों अब इसको टेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका टेस्ट कैसा. पहले टेस्ट करेंगे हम चीज़ ब्लास्ट. दोस्तों आप देख सकते हैं इसको लेयर वाइज बनाया गया है, इसमें प्रॉपर लेयर स्टफिंग हुई है, और ये जो इसकी स्पेशलिटी, जो यहाँ की स्पेशलिटी है एवोकेडो सॉस. मज़ा आ गया, सुपर, मतलब ये डिश नेक्स्ट लेवल की है. क्या अंदर स्टफिंग थी, ऊपर से मेल्टिंग चीज़, और वो जो एवोकेडो सॉस थी जो यहाँ की स्पेशलिटी है, मज़ा आ गया. ऐसी सैंडविच कभी भी नहीं खाई, मतलब चीज़ ब्लास्ट वॉज बेस्ट. लेकिन ये चीज़ देख के ना ऐसा लग रहा है कुछ अलग ही इससे होप्स है मेरे को. तो
पहले ये चिप्स ही टेस्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर मेयोनीज है, क्योंकि एक बार में तो बाइक ले नहीं पाएंगे। चीज़ और मेयोनीज और अब पहाड़ी ग्रिल नहीं, बड़ा शानदार लग रहा है दोस्तों। ये भी एवोकाडो सॉस से लेंगे हम लोग टेस्ट। मैंने यही तो टेस्ट करी थी लेकिन इसने दिल जीत लिया दोस्तों। पहाड़ी ग्रिल में ऐसा कोई स्टफिंग नहीं थी जो नहीं हुई हो, और जो इन्होंने ऊपर से चीज़ गार्निश करने के लिए डाली थी उसमें अलग टेस्ट आ गया, मज़ा आ गया। जो ग्रिलिंग थी इसकी परफेक्ट, स्टफिंग परफेक्ट, डिश परफेक्ट, प्रेजेंटेशन परफेक्ट, मतलब कुल मिला के जो पहाड़ी ग्रिल थी उसने दिल जीत लिया। और जो उनका आइडिया था चिप्स के ऊपर मेयोनीज़ और चीज़ का, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा स्टफिंग है कि मेरे हाथों की बैंड बच चुकी है इस समय। और जो इन्होंने इसके साथ सर्व कराया एवोकाडो फ्रूट सॉस और ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स, मज़ा आ गया दोस्तों। आज ये तीनों डिशेस खा के तो मज़ा आ गया। तीन क्या, हमने दो ही खाए लेकिन जो इनका ये सॉस और ये चिली फ्लेक्स है, सॉस जो इनकी एक अलग डिश है, क्योंकि ये जितनी स्पेशल है उतनी स्पेशल ये डिशेज में, क्योंकि उनसे इसमें टेस्ट आ जाता है। तो दोस्तों अब चीज़ ब्लास्ट और पहाड़ी तो दोस्तों अब चीज़ ब्लास्ट और पहाड़ी ग्रिल जैसे शानदार सैंडविचेस खाने के बाद अब मेरे सामने एक और बेहतरीन और लाजवाब और जायकेदार डिश आ गई है, जिसको देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जिसका नाम है मेल्टिंग चीज़ पनीनी। आप देख सकते हैं इसकी प्रेजेंटेशन, आ हा हा, लाजवाब स्क्वायर पीसेस में कट ये मेल्टिंग चीज़ पनीनी, गजब। और उसके साथ भाई बता दो यार ये क्या है, इसका नाम है मिंट मोजीतो। मिंट मोहितो, यानी दोस्तों ये है मिंट मोहितो, और इसकी प्रेजेंटेशन भी लाजवाब है। ऐसी प्रेजेंटेशन आज तक मैंने किसी भी मोहितो की नहीं देखी। और अब टेस्ट करते हैं, हाँ हाँ, मेल्टिंग चीज़ पनीर क्या बनाया है यार, वही एवोकाडो सॉस जो यहाँ की अब मेरी फेवरेट हो चुकी है। I am totally speechless. मतलब लाइफ हो तो मेरे जैसी हो, क्या क्या खाने को मिलता है दोस्तों। और ये डिश खा के ना मजे आ गए, मेल्टिंग चीज पनीर, ईट एंड मीट जो कैफे है उसकी ये हाइट है, मतलब इससे बेटर डिश यहाँ हो ही नहीं सकती। अब तक जो मैंने डिशेस खाई तीनों में से ये ऐसी डिश है जो यहाँ का सिग्नेचर मूव निकला, बेस्ट डिश ऑफ ईट एंड मीट अब तक मैं कह सकता हूँ। अब मोई तो टेस्ट करते हैं, आ क्या ऑसम टेस्ट है, मतलब पूरे दिन भर की थकान मेरी मिट गई, मैं एकदम रिफ्रेश हो गया। और जो इसने चेस्ट में और ब्रेन में जो मेरे एकदम ठंडक लाया है, रिफ्रेश कर दिया मेरे को पूरी तरह से। आप देख सकते हैं दोस्तों इसके नीचे तक लेमन है, और जो नीचे इसका जो ग्रीन जो कलर आ रहा है वो शानदार है। ऐसी प्रेजेंटेशन मिल जाए, प्रेजेंटेशन से 1000% बेटर आपको फूड मिल जाए ना, मज़ा आ जाता है दोस्तों। मेल्टिंग चीज़ पनीनी और ये मिंट मोहितो का तो कोई जवाब ही नहीं। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एवोकाडो सॉस यहाँ के डिशेस का बेस्ट है, बेस्ट एवर बेस्ट। तो दोस्तों अब द ईट एंड मीट कैफे की मेल्टिंग चीज़ पनीनी जैसी बेहतरीन और सिग्नेचर डिश खाने के बाद अब मौका आ चुका है यहाँ का पिंक सॉस पास्ता टेस्ट करने का। दोस्तों पिंक सॉस पास्ता, हाँ, व्हाइट सॉस और रेड सॉस से हटके पिंक सॉस पास्ता जो बहुत कम जगह पे मिलता है, ऐसी एक जगह था ईट एंड मीट कैफे, और वो है ये पिंक सॉस पास्ता। अगर आप इसकी प्रेजेंटेशन देखें तो माइंड ब्लोइंग, इनकी हर चीज़ की प्रेजेंटेशन शानदार होती है। पूरे उसमें ये चीज़ से ढका हुआ है पास्ता, पास्ता नीचे ऊपर पूरे में चीज़ है,
अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये रहा पहने, ये देखिए प्रॉपर शेप वाला पेन और परफेक्टली डिप डेक्रीम में। अब टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा हॉट है लेकिन इतना क्रीमी पिंक सॉस पास्ता, इस बात पे मैं बैट कर सकता हूँ ना। इसमें व्हाइट सॉस का टेस्ट है ना रेड सॉस का, इसका एक अलग वजूद था पिंक सॉस। मतलब एक नया रेवोल्यूशन आने वाला है पास्ता कैटेगरी में जो था पिंक सॉस पास्ता। मज़ा आ गया दोस्तों, इतना क्रीमी पास्ता आज से पहले कभी नहीं खाया। बहुत सारे कैफे जा चुके हैं, बहुत सारे पास्ता खिला चुके हैं हम, बहुत सारे पास्ता, थोड़े नहीं बहुत सारे पास्ता, लेकिन उन बहुत सारे पास्ता में से ये एक ऐसा पास्ता निकल कर आया कि जिसने सब जगह मतलब ऐसा अपना वजूद बना दिया। पिंक सॉस पास्ता थोड़ा डिफरेंट था लेकिन इतना टेस्टी पास्ता। आप प्रेजेंटेशन में तो पहले दिल जीत लिया लेकिन उसके बाद जो क्रीमी निकला अंदर से, इट वॉज सो यमी दैट आई कांट एक्सप्रेस इट। ये बिल्कुल अनएक्सप्रेसिबल है, मतलब इसके आप 200 शब्द कम पड़ गए। सॉरी, मैं इतनी सारी चीज़ें वैसी कर चुका हूँ, वो चाहे वो आपका पहाड़ी ग्रिल हो, फिर वो आपका मेल्टिंग चीज़ पनीनी हो, और वो चीज़ ब्लास्ट हो, अब ये पिंक सॉस पास अब नहीं एक्सप्रेस कर सकता भाई। मेरे पास भी शब्द कम पड़ जाते हैं, मेरी वोकैबुलरी बहुत ढीली है, इतने तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी वर्ड नहीं है कि इतनी बढ़िया डिशेज को एक्सप्रेस कर सकें। मज़ा आ गया यार दोस्तों, टेस्ट है दोस्तों जो वहाँ पे चढ़े जाते हैं। तो अगर हमारी आज को आपकी है, क्या बोले, मतलब फूड की दुनिया में अब तक की शायद मेरी वन ऑफ द बेस्ट विजिट थी ये द ईट एंड मीट कैफे में, वन ऑफ द बेस्ट क्योंकि कुछ है अभी भी बेस्ट, वो वाली वीडियो पसंद आई हो। ये द ईट एंड मीट कैफे की शानदार, जायकेदार, लाजवाब, अमेजिंग, डिफरेंट सारे वर्ड्स का मैं इनके लिए, ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि जो अभी इनका जो प्रेजेंटेशन था और जैसे मैंने एक्सप्रेस करा, मेरी वोकैबुलरी कम पड़ गई उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश करी जो प्रेजेंटेशन था वो आपको कैसा लगा, और इसको अपने फैमिली, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर कीजिए हमारी इस वीडियो को। उनके साथ आइए द ईट एंड मीट कैफे जो कि भाईंदर वेस्ट के 150 फीट रोड पे लोकेटेड है, ठीक सामने मेरे मैक्सेस मॉल है, मैक्सेस मॉल के अपोजिट में द ईट एंड मीट कैफे, और बहुत ज़्यादा शानदार जगह है ये। यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके अपने फूड का लुत्फ उठाइए, इंजॉय करिए, और यहाँ का प्रेजेंटेशन बहुत अमेजिंग है दोस्तों। और एंड में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब पेबल्स फूड कार्ट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगली बार जब भी मैं आपके पास ऐसी कुछ एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँ, ऐसी अमेजिंग वीडियो लेकर आऊँ, तो आप उस वीडियो को फटाफट देख पाएँ, उस लोकेशन पर पहुँच गए, वहाँ के फूड का लुत्फ उठा पाएँ, इंजॉय कर पाएँ और मज़ा कर पाएँ। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन एक और बात दोस्तों, जो पंकज जी ने उनका जो कॉन्सेप्ट था कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो वो टेस्ट में नया रिवॉल्यूशन लेकर आए ना, कि आसपास तो क्या बहुत दूर तक ऐसा टेस्ट मिलना बहुत नामुमकिन है। मतलब ऐसे टेस्ट कहीं नहीं मिल सकता आपको, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा ईट एंड मीट कैफे में। और ये थी पंकज जी की सोच, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने इतना शानदार टेस्ट है, चाहे वो उनका एवोकाडो सॉस हो, वो सॉस है सिर्फ, लेकिन वो इस डिशेस को और ज़्यादा टेस्टी बनाता है कि वो, क्योंकि वो होम बेक्ड है, घर पे बना हुआ है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो दोस्तों मैंने आपको बताया है, और सब चीज़ यहाँ पे बेस्ट है। मैं कह सकता हूँ दोस्तों द ईट एंड मीट कैफे इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैफेज आई हैव एवर विजिटेड इन माई लाइफ। थैंक यू।